हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कल मैं जा रही थी, ऐसे हम लोग जा रहे थे, बाहर निकले थे थोड़ा सा, तो मुझे दिख गई नर्सरी। हम लोग चले गए नर्सरी और मैंने वहाँ से कुछ प्लांट्स खरीद लिए हैं। वैसे तो मुझे अब अलाउ नहीं किया जा रहा है प्लांट्स खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे घर में अब जगह नहीं बची है नीचे में प्लांट्स रखने के लिए। तो फिर भी मैंने कुछ कुछ प्लांट ले लिए हैं। अब नर्सरी जाएँ और ऐसे लौट आएँ तो वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने परचेज़ किए हैं। बाय द वे, यहाँ मौसम बहुत सुंदर है, बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने प्लांट्स जिनको मैंने परचेज़ किया है। मैं आपको अपना पहला प्लांट दिखा देती हूँ जिसे मैंने परचेज़ किया है। वो है ये कलांचो का प्लांट। ये देखिए, बहुत सुंदर प्लांट था, मतलब हेल्दी प्लांट है। सुंदर तो ये होता ही है। और इसमें छोटी छोटी सी 2-3 प्लांट्स और निकल रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कलांचो इस मौसम में कैसे ले लिया। फ्लावर तो ये सर्दियों में देता है, पर हाँ मैंने इसे ले लिया है इसलिए क्योंकि अब सर्दियों के लिए प्लांट्स हम लोग तैयार करेंगे ही अगले महीने से। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगी और डिवाइड करके यहाँ से और 2 गमलों में लगा लूँगी। और अब बात ये है कि मैंने इसको लिया क्यों है, क्योंकि मुझे बहुत सस्ता मिल रहा था। ये मुझे सिर्फ 25 रुपये में मिला, इसलिए मैंने इसको ले लिया। और प्लांट देखिए कितना हेल्दी है। इसके बाद जो मैंने अगला प्लांट लिया है वो है, ये देखिए, ये है बोस्टन फर्न, ये फॉक्स टेल फर्न है। ये भी फर्न है पर ये फॉक्स टेल फर्न है, तो मैंने ले लिया इस फॉक्स टेल फर्न को। ये देखिए, ये देखिए इसकी टेल की तरह इसके होती हैं लीव्स, बहुत प्यारा लगता है। और इसको मैंने ले लिया है, ये मेरे पास था भी नहीं पहले से। और ये देखिए, बहुत हेल्दी प्लांट है, सिर्फ 50 रुपीज़ में मिला है मुझे और मैंने इसको ले लिया है। और इसके बाद मैंने लिया है एक कोलियस। जी हाँ फ्रेंड्स, एक कोलियस। ये देखिए, इसके कलर बहुत प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने इसको ले लिया है। और ये देखिए, अच्छा खासा प्लांट है और सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल रहा था, तो मैंने कहा ले लो। वही कन्विंस करने के बाद मुझे ये लेने दिया गया है और इसको लिया मैंने। और जो नेक्स्ट प्लांट मैंने लिया है वो लिया है ये टेबल पाम को। इसे चाइनीज़ पाम और बहुत सारे कई नामों से जानते हैं, पर इसको मोस्टली चाइनीज़ पाम या टेबल पाम ही कहते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत हेल्दी था और सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल रहा था, इसलिए ले लिया मैंने इसको। ये देखिए, ऐसे पैकेट में लगे हुए मिले हैं ये सारे प्लांट्स। मैं कोशिश करती हूँ ना, प्लांटर में प्लांट्स को नहीं लेती हूँ, क्योंकि वहाँ जो नर्सरी में प्लांट्स होते हैं वो प्लांटर में लगे होते हैं, तो वो थोड़े महंगे मिलते हैं। और महंगे मिलने के बाद क्या होता है कि उसके जो गमले होते हैं ना, वो बहुत गंदे होते हैं, काई लगी रहती है। तो इससे अच्छा है कि इस तरह के पैकेट्स में आप प्लांट्स को परचेज़ कीजिए और अपनी पसंद के गमलों में रिपोर्ट कर दीजिए। और भाई इसके बाद जो हमने लिया है वो, ये देखिए, प्यारी प्यारी सी हैंगिंग्स। यहाँ फ्रेंड्स, ये मैंने ली हैं हैंगिंग्स, क्योंकि मैं आप सोच रही हूँ कि प्लांट नीचे जगह नहीं बचा है, ऊपर हैंग करके लगाऊंगी। ये देखिए, इसमें एक और ख़ास बात है कि इसकी ड्रेनेज होल बहुत अच्छी है। ये देखिए, बाकी प्लास्टिक की जब हम हैंगिंग्स लाते हैं, तो हैंगिंग बास्केट लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ड्रेनेज होल की प्रॉब्लम होती है। इससे बिल्कुल ड्रेनेज होल की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से ड्रेनेज होल है और इसका साइज़ भी थोड़ा अच्छा खासा है। इसलिए मैंने ऐसी 3 ले ली हैं, ये 2 वाइट कलर की और एक ये ग्रीन कलर की। मैं ऐसी 3-4 और ख़रीद के लाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी है और बहुत रिजनेबल रेट में मिल गई है। सिर्फ 50 रुपीज़ में ये मुझे मिल गई हैं। तो ये थी मेरी शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी गार्डनिंग के लिए शॉपिंग शुरू कर देंगे। मुझे और कुछ भी खाद वगैरह चाहिए था, पर वहाँ पर इस समय बोन मिल वगैरह नहीं मिल पाए। मेरे पास पहले से थोड़ा सा पड़ा था, इसलिए मेरा काम चल रहा है, मैं जाकर फिर से ले आऊँगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।